We will not be silent. We will raise the voice of Gaza. We will raise the voice of Palestine. Violent confrontations between racist groups and Muslim groups all over the country, really, particularly in the north on the weekend. Conservative leader hai Britannia ke andar Robert Jenrick. उन्होंने कहा है कि उन लोगों को बरतानिया में पकड़ लिया जाए जो सड़कों पर जाते हुए अल्लाह अकबर का लफ्ज इस्तेमाल करें। ब्रिटेन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर जो मुसलमान रहते हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमने शरिया लॉ नाफिज करना है यहाँ पर, तो इस वजह से जो अंग्रेज है वहाँ के उनके और मुसलमानों के बीच में झड़प चल रही है। तो इस सिस्टम हवा में झूल रहा है, इसको कोई फिक्स नहीं कर सकता। आप जो मर्जी कर लें इसके ऊपर, आप जितना मर्जी इसके ऊपर दमा, जब तक सब लोग बैठ के ये तय नहीं करेंगे मुल्क को आगे कैसे चलाना है। ये क्वेश्चन भी रेज कर सकते हैं कि भाई यानी मुस्लिम रूल होना चाहिए सर, लेकिन देखा यह गया है कि जो हिस्ट्री इंग्लैंड की वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करती है, वो उनकी हिस्ट्री है, वो ये कभी भी होने नहीं देंगे। ये क्लैश की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है मुझे। द मेंबर्स ऑफ द राइट हु हैव बीन रायटिंग अक्रॉस ब्रिटेन फॉर अ वीक नाउ हैव टारगेटेड मुस्लिम्स प्राइमरली डिस्पाइट क्लैरिफिकेशन दैट द सस्पेक्टेड किलर ऑफ द थ्री लिटिल गर्ल्स इन साउथपोर्ट ऑन मंडे वाज। पाकिस्तान तो एक स्टेबल, मतलब इस वक्त पाकिस्तान में मैंने कहा ना हॉस्टिलिटी नहीं है, तो अमन के सुकून की बात हो रही है ना कि भाई आप अमन सुकून चैन से कोई रास्ता निकाल लें। तो सर जब हम इस तरह के काम भी करते हैं और कहते हैं कि दुनिया भाई मुसलमानों को बुरी नजर से देखती है, तो इन चीजों को कैसे देखते हैं? क्या हम हमारी तालीमात इस तरह की है कि लोग हमें ये हम ये समझते हैं हम इन्वॉल्वमेंट अपनी कर रहे हैं, उसके बाद हम समझते हैं शरीफ भी बन जाते हैं? ये अब बरतानिया के अंदर बात चल रही है कि आप सारे के सारे मुसलमानों को, इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करने वालों को आप ऐसे थोड़े ही कह सकते हैं। अगर कोई बंदा ऐसा है तो बेसिकली मुकम्मल हो चुके हैं ट्रायलों को, जेलों में डालें, कोर्ट उनको डालें जेलों में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बांग्लादेश के साथ ब्रिटेन भी इस समय दंगे की आग में जल रहा है। यहाँ बस एक अफवाह ने एक प्रदर्शन को इतना हिंसक बना दिया कि देश में आगजनी तक शुरू हो गई है। दरअसल ब्रिटेन के साउथ पोर्ट में एक सिरफरे चाकूबाज ने 3 बच्चियों को चाकू घोप कर हत्या कर दी, जिसके बाद हिंसक भड़क उठी। आरोपी रुदा कुबाना पर ही इन 3 बच्चियों की हत्या का आरोप लगा है। बच्चियों की मौत के बाद एक अफवाह फैली कि चाकूबाज आरोपी एक मुस्लिम युवक है। इसके बाद ब्रिटेन में झड़प शुरू हो गई। प्रदर्शन कारियों ने उत्तरी इंग्लैंड के होटल में आग तक लगा दी और तोड़फोड़ भी की। प्रदर्शन के दौरान बोल्टन में अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए मुस्लिम समूह और राइट विंग आपस में भिड़ गए। एक वीडियो में रेफ्यूजी पर हमला करते देखा जा रहा है। ब्रिटेन के कई शहरों पर हिंसा भड़कने के बीच प्रधानमंत्री कीर स्टॉर्मर ने रेफ्यूजीज के बने होटल पर हमले की निंदा की। इसी दौरान यूके के पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट के मेंबर है उन्होंने कहा कि जो अल्लाहू अकबर के नारे लगाता है उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर दिया जाए और उन्हें जेल में डाल दिया जाए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। दोस्तों कंजर्वेटिव लीडर हैं बरतानिया के अंदर रॉबर्ट जेनरिक। उन्होंने कहा है कि उन लोगों को बरतानिया में पकड़ लिया जाए जो सड़कों पर जाते हुए अल्लाह अकबर का लफ्ज इस्तेमाल करें। अल्लाह अकबर अरेबिक फ्रेज है जिसका मतलब है गॉड इज ग्रेट। अब इस स्टेटमेंट के बाद बेसिकली तो ये फॉर्मर इमिग्रेशन के मिनिस्टर भी रह गए हैं और वो स्काई न्यूज़ के साथ बात कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि जो फार राइट के जो लोग वायलेंस हो रहा है उनको ज़्यादा सख्त हुकूमत जो है वो ट्रीट कर रही है एज़ कम्पेयर टू मुसलमानों के। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है कि जेनरिक ने ये कहा है कि भाई जब प्रो फलस्तीन डेमोन्स्ट्रेशन हो रही थी तो उस वक्त तो पुलिस जो थी बड़ा सॉफ्ट एटीट्यूड शो कर रही थी। जब हमास ने हमला किया 7 अक्टूबर को इसराइल के ऊपर और ये सारे प्रो फलस्तीनी जो प्रोटेस्टर्स बाहर निकले तो ये तो लोग बड़े आराम से प्रोटेस्ट कर रहे थे और पुलिस इनको अकोमोडेट कर रही थी और लंदन की सड़कों के ऊपर अल्लाह अकबर और अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे, तो तब तो किसी को कोई मसला नहीं हो रहा था। आज अगर ये लोग बाहर निकले हैं जिन्हें फार राइट प्रोटेस्टर्स कहा जा रहा है, फार राइट्स, ये जो देखें ये जो जो 3 यंग लड़कियों की जो स्टैबिंग हुई और उसके बाद ये सारे के सारे हालात खराब हुए, ये कहा जा रहा है कि आज से 10 साल में कभी इस लेवल पे अनरेस्ट नहीं बरतानिया के हुआ अंदर हुआ जितना आज हुआ। अब पाकिस्तान भी इस तरह की चीज़ों को बड़ा हाईलाइट कर रहा है कि देखो किस तरह मिसयूज़ किया जाता है फेसबुक ट्विटर वगैरह को और सोशल मीडिया को और किस तरह चीज़ें की जाती हैं।
अब ये जो रॉब्स जो क्या नाम है इनका रॉबर्ट जेनरिक साहब है जो ये बातें कर रहे हैं, ये अब जारी बात है इनके बारे में ये तासुर है कि ये कंजर्वेटिव लीडरशिप जीत सकते हैं, लेकिन विद इन द कंजर्वेटिव पार्टी एंड विद इन द अदर मीडिया इनके ऊपर क्रिटिसिज्म आ रहा है। ठीक है जी, अब वो जिसे कह रहे ना कि मैंने अल्लाह के बारे में कुछ नहीं कहा, मैंने तो इसको प्रोटेस्ट की कॉन्टेक्स्ट में ये कहा। ठीक है जी, ये अब बर्तानिया के अंदर बात चल रही है कि आप सारे के सारे मुसलमानों को, सारे के सारे जो जो जो, जो इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करने वालों को आप ऐसे थोड़े ही कह सकते हैं अगर कोई बंदा ऐसा है। सो बेसिकली मैं आपको बात बताऊं, जेडी वैंस जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने लगे हैं और ट्रंप के टिकट पे हैं, उनकी एक वीडियो मैं देख रहा था जो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। उनमें उन्होंने कहा कि मुझे खतरा है, उसने ये जो उसके अल्फाज हैं, उसने कहा मुझे खतरा है कि कौन सा ऐसा वेस्टर्न मुल्क है जिसके न्यूक्लियर वेपन्स ज्यादा खतरे में है। तो लोगों ने पूछा कि कौन सा ऐसा वेस्टर्न मुल्क है, नहीं उसने वेस्टर्न नहीं कहा, उसने कहा कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके न्यूक्लियर वेपन्स खतरे में है। तो किसी ने कहा उसने कहा नहीं नहीं ये पाकिस्तान नहीं है, नॉर्थ कोरिया नहीं है, ये बर्तानिया है, क्योंकि बर्तानिया के अंदर बहुत ज्यादा इस्लामिस्ट जो है वो हुकूमत में आ रहे हैं और मुझे खतरा है कि वहां बर्तानिया के न्यूक्लियर वेपन्स खतरे में। मतलब दैट्स हाउ ही सेड इट। अब तो ये देखिए बर्तानिया के हवाले से ये बातें आ रही हैं कि बर्तानिया के अंदर मामलात जो है ना, क्योंकि वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन प्लस लिबरल्स ये दोनों मिलके अपनी मर्जी की बहुत सारी चीजें कर रही हैं, कंजर्वेटिव के हाथ में बहुत कुछ रहा, उन्होंने ब्रेक्सिट करवा दिया, क्या क्या नहीं उन्होंने करवाया। सो लोग अब उनसे तंग हैं, सो लोग वो जो लिबरल फिलोसफी है उसके पीछे जाना चाहते हैं, जिसको मैं समझता हूँ कि ये चीजें जो है मैं समझता हूँ कि मुश्किलात पैदा कर रही हैं। आखिर तो वो जिनसे बातें कर रहा है, मेरे ख्याल में तो वो पाकिस्तानी भाईजान ही हो गए जिन्होंने पकड़वा दिया है कि उनको 5,000 बयाना भी दे दिया है, कहता है $1,00,000 तुम्हें जाके भेज दूंगा। तो फिर वहां पे शर्ट उनके साथ कोड वर्ड भी रख गया कि अगर तुम्हें स्वेट शर्ट का बात करूं तो इसका मतलब मर्डर करना है, अगर अगर सिर्फ टी शर्ट की बात करूं तो टांगे तोड़नी है, और अगर फलां चीज कहूं तो उसके बाद जलसा करना है, 20-25 लोगों को लेके हंगामा करना है, पता नहीं कैसे एक लोग मतलब है। पाकिस्तान बना देना है अमेरिका, मैं पाकिस्तान तो खैर बन चुका है। कैमला हैरिस ने अपना एक नया कैंडिडेट चुन लिया है, उनके इरादे क्या हैं उस पर भी बात करते हैं। लेकिन आसिफ मर्चेंट जो है जिनका नाम है, पाकिस्तान एक बैंक में जॉब करते थे, कराची से है मौसूफ, और पता नहीं क्यों उन्होंने आके ये ड्रामा कर दिया। यहाँ पे 2 दिन से खबरों में इस वक्त वही चल रहा है, यहाँ पे 2 दिन से एक पाकिस्तानी को पकड़ा गया है, और उसका जिस दिन पकड़ा गया उससे दूसरे दिन अटैक हुआ है डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर भी।